हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्थिर विद्युतकी का सबसे अंतिम अध्याय पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 5 गॉस की प्रमेय। इसी के बाद आपका ये पूरा खंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली न्यूमेरिकल्स हमने भी वीडियो उस पर ऐप नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको खत्म होते ही सब पढ़ जाएगा आपका। ठीक, एक यूनिट आपकी 5 अध्याय की पूरी खत्म होने जा रही है। इसके पहले वाले में हमने आपको 3 प्रकार के घनत्व पढ़ाए थे। एक हमने पढ़ाया था आवेश का रेखीय घनत्व, एक पढ़ाया था आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ाया था, उसके बाद फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था, उसके बाद फिर हमने पढ़ाया था आवेश का आयतन घनत्व। 3 हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसी के आगे हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, आराम से समझिएगा। इस हेडिंग का नाम है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अंग्रेजी इसकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, चलिए देखा अब बात किया जाए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखें, ध्यान से समझिएगा, बहुत लंबा कार्यक्रम है, हम आपको एक एक करके सब बताते हैं। देखें, फ्लक्स माने होता है संख्या, फ्लक्स का मतलब होता है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, जो क्षेत्रफल है आपको पता होगा, क्षेत्रफल सदिश राशि है भाई। क्षेत्रफल बताएं कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्षेत्रफल में दिशा होती है, और क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा बताओ तल के लंबवत होती है। आप इसको ध्यान रखो, ये देखे आपका तल है, और क्षेत्रफल की जो दिशा होती बताओ तल के, ये देखे आपका लंबवत है। लंबवत ये आपका बोर्ड का तल है। अगर हम आपसे पूछे कि बोर्ड के क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है, आप बोलो ये तल है, बताओ तल के, ये लंबवत। तो चाहे बोलो क्षेत्रफल की दिशा में, चाहे आप बोलो बताओ क्षेत्रफल की दिशा में, या आप बोलो तल के लंबवत, या बताओ तल के लंबवत, दोनों का मतलब आपका एक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, चाहे बोलो क्षेत्रफल की दिशा में, और चाहे बोलो बताओ तल के लंबवत। ठीक है, दोनों का मतलब आपका एक ही है। बताओ ये पॉइंट पहले, वैद्युत फ्लक्स को छोड़ो, बात की बात है, पहले इसको निपटाओ जिसमें कंफ्यूजन है। क्षेत्रफल कौन सी राशि है? सदी दिशा बताओ, तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत। अब आप बोलो चाहे क्षेत्रफल की दिशा में, या बोलो तल के लंबवत, बताओ दोनों का मतलब एक है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आपको बताते हैं, जो वैद्युत फ्लक्स है ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, लेकिन कहां से गुजरे? तल के लंबवत। ये देखिए आपका ये तल है, ये देखिए तल है, ये तल के लंबवत, मतलब तल को चीरती हुई जाए, चीरती हुई, मतलब वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, लेकिन कहां से गुजरे बताओ, तल के लंबवत गुजरे, लंबवत गुजरे। ये तल को चीरती हुई जो रेखाएं जाती है उन्हीं की संख्या का नाम है वैद्युत फ्लक्स। ये तल है, ये तल का समांतर हो गया, और ये तल का लंबवत हो गया। तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं बताओ तल को चीरती हुई जाएं, उसी का नाम है बताओ वैद्युत फ्लक्स। हम कह सकते हैं परिभाषा, किसी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स बताओ कहते हैं। यह है आपका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स बताओ कहते हैं। बताओ क्लियर है? बताओ कोई डाउट नहीं है किसी को? अब आइए देखें, नंबर एक पहला पॉइंट आपका है कि वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। अब देखिए दूसरे पॉइंट में, अब आपको हम बताएं, ध्यान देना, दूसरे पॉइंट में बहुत कायदे समझिएगा। जैसे मान लिया आपका जो है ये आपका कोई तल है, ध्यान देना,
ये देखिए ये हमने मान लिया, बहुत आराम समझिएगा, ये देखिए हमने मान लिया कोई तल है, ये कोई तल है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपकी जो है ये आपका वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, ये है आपका, ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। बताओ समझ में आ रहा है सबको? तो देखिए अब आपको बता दे कि जो इस तल से गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी फाई, ये समानुपाते आपका होगा ई, नहीं समझे आप? अरे भाई ये बताओ कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र ई का मान जितना ज्यादा होगा, रेखाएं उतने पास पास होंगी, और जब रेखाएं उतने पास पास होंगी तो उतने ज्यादा चीरती हुई जाएंगी। बताओ फाई का मान ज्यादा होगा। हमारी बात से आप सहमत नहीं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फाई सब, फाई क्या है? फाई संख्या, फाई माने संख्या, किसकी? वैद्युत बल रेखाओं की। कहां से गुजरे? चीरती हुई है। हम तुमसे कह रहे हैं कि ई का मान जितना ज्यादा होगा, रेखाएं उतनी पास पास होंगी, और जब रेखाएं पास पास होगी तो उतना ज्यादा चीरती हुई जाएंगी। बताओ फाई का मान उतना ही ज्यादा होगा। अगला देखो, अगला अगला आपको बताते हैं, अगला पॉइंट आपका यह है, ध्यान से बिल्कुल समझना। ये देखिए अगला पॉइंट आपका यह है, ये देखिए ये वैद्युत वैद्युत क्षेत्र है, ये है आपकी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं यहां से इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया आपका ए था, ठीक है। अब बताइए क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, तो अब हम अगला कह सकते हैं फाई समानुपाते आपका होता है ए। ये बात भी आपको समझ में नहीं आई होगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल का मान जितना ज्यादा होगा, अरे भाई ये देखो हम आपको बताते हैं, सुनिए, ये देखिए हम कह रहे हैं कि देखो ये रेखाएं चार रेखाएं जा रही हैं, चार रेखाएं जा रही है, और तुम इनके सामने इतना, ये देखो इतना सा क्षेत्रफल तुमने रखा। मैं समझाता हूं, जैसे ये देखिए चार रेखाएं जा रही हैं, अब तुमने इसके सामने ये रखा, इसके अंदर बताओ दो रेखाएं गई, दो रेखाएं गई। अब बताओ इसके सामने अगर ये रखोगे, बताओ चार नहीं जाएंगी? इसका मतलब क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, बताओ फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। अब आइए दोनों समीकरणों को हम मिलाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आइए दोनों समीकरण को हम मिलाने जा रहे हैं, बहुत कायदे से मिलाएं। अब आइए बात करते हैं फ्रॉम वन एंड टू, समीकरण नंबर बताओ एक और दो से अब मिलाते हैं। अब आपका आ जाएगा फाई समानुपाते ई इंटू ए। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे के ई इंटू ए, उसके बाद फिर प्रयोगों द्वारा, फिर आपका प्रयोगों द्वारा के का मान आपका आता है एक आया, और जब के का मान एक आएगा, अब आपका आ जाएगा फाई बराबर बताओ ई इंटू ए। ये है आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। किताब में सीधे फाई बराबर ई ए लिख दिया है, लोग रटते हैं, किसी को ये आज तक पता नहीं चलता है कहां से आया, लेकिन हमने आपको समझाया कहां से आया कि अगर ई का मान ज्यादा होगा तब भी संख्या ज्यादा होगी, अगर ए का मान ज्यादा होगा तब भी संख्या ज्यादा होगी। अब बताओ फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर बताओ ई इंटू ए, जल्दी कर लो। तभी तो आपका यह दूसरा पॉइंट आपका था, जल्दी कर ले। हो गया, चलिए अब उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। देखिए तीसरे पॉइंट में ये है आपका, ध्यान देना, तीसरे पॉइंट में लिख रहा हूं कि ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। इसका मतलब ये देखिए हमने मान लिया कोई तल है, ये देखिए इसका आपका क्षेत्रफल आपका ए है, तो जिधर आपका क्षेत्रफल है उधर ही आपका वैद्युत क्षेत्र ई है, मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं चीरती हुई जा रही हैं, तब फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बोलो ई इंटू ए। अभी अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं, क्लियर है? लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा हो, अगर कहीं कुछ ऐसा हो, ये देखिए आपका क्षेत्रफल ए है, ये आपका बताओ क्षेत्रफल कितना है? ए है, और आपकी देखो ये इधर है, आपका ध्यान देना, ये देखो इधर आपकी रेखा है ई, ये आपकी हमने मान लिया बताओ कितने कोण पर है बोलो? थीटा कोण पर है। लेकिन आपको इधर की रेखाएं नहीं लेनी है, आपको बताओ कौन सी रेखाएं लेनी है जो चीरती हुई जाए, चीरती हुई जाए, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, इधर अगर ई जा रही है तो बताओ इधर क्या आएगा बोलो? अब आपको पता है कि जिधर कोण होता उधर कास आता, इधर बताओ क्या आ जाएगा? इधर आपका आ जाएगा ई कास थीटा। अब बताओ फाई का फॉर्मूला बताओ, फाई बराबर ई, ये वाला लेना है ई ए इंटू बताओ कितना बोलो? कास थीटा।
अब बताओ फ्लक्स के कितने सूत्र होते हैं, बोलो। दो सूत्र आपके होते हैं, पहला सूत्र आपका होता है ईए और दूसरा सूत्र होता है ईए का। यह बात आपको समझ में नहीं आ रही है? अरे भाई, रेखाएं कौन सी ली जाती है जो क्षेत्रफल को चीरती हुई जाती है, ये कहां चीरती हुई जा रही थी, इसको इधर कर लो ना। अब आप घटक पढ़े होंगे कक्षा 11 में, जिधर कोण होगा उधर कास आएगा, इधर रेखा अगर ई जा रही है इधर जाएगी ई कास थीटा, तो फाई बराबर इन दोनों का गुणनफल ई ए कास थीटा। अच्छा ये बताओ, आपको पता होगा ए बी कास थीटा को क्या बोलते हैं, ए बी कास थीटा को बोलते हैं ए डॉट बी, ए बी कास थीटा को बोलते हैं ए डॉट बी। बताओ फाई बराबर, अब बताओ ई ए कास थीटा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर ई डॉट, बताओ वेक्टर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए, ये आपका मेन सूत्र आ गया, फाई बराबर आपका होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ये है आपका अदिश गुणन। डॉट से लिखते हैं, डॉट से लिखते हैं, बताओ क्लियर है, जल्दी कर ले। तो फ्लक्स के बारे में अभी हम आपको केवल तीन ही बात बताए हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट है। फ्लक्स समझ लो, गॉस का प्रमेय आपके लिए बहुत ही निहायत ही आसान हो जाएगा। जल्दी से सब लोग पहले फ्लक्स को पढ़ करके खत्म करिए, फिर आपको हम बताते हैं। नोट हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग, नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। चलिए अब आपको हम पॉइंट नंबर चार हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर हम चार की बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, अतः यह अदिश राशि है। अतः यह बताओ कौन सी राशि है, अदिश राशि है, संख्या है, संख्या में दिशा क्या होगी। अब आइए पांचवें बात करते हैं, मात्रक की। तो मात्रक तो भाई इसका बड़ा कठिन, हमें आज तक नहीं याद हुआ, लेकिन हम जब चाहते हैं तब निकाल लेते हैं, सीखो। फाई बराबर आपका होता है ई इंटू ए, अच्छा ए का सूत्र होता है यह बटा क्यू इंटू ए, बोले हाँ यह को तोड़ दो, यह बराबर होता है एम ए, क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू टी इंटू बताओ ए। अब बताओ द्रव्यमान का बोलो किलोग्राम, बताओ त्वरण का बोलो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, धारा का बोलो एम्पियर, समय का बोलो सेकेंड, क्षेत्रफल का बोलो मीटर स्क्वायर। ये देखो भैया, पहला मात्रक कितना भयानक आ रहा, बताओ क्या किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर गुणे मीटर, मीटर क्यूब बटे, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा नीचे क्या आएगा, हाँ ये आपका आ जाएगा बताओ एम्पियर इंटू आपका आ जाएगा सेकेंड का क्यूब। ये देखो पहला मात्रक है, और अगला मात्रक सीधे हम कह सकते हैं, बताओ बल का मात्रक होता है न्यूटन, उसके बाद आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक मीटर, अगला मात्रक बताओ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये देखिए अगला मात्रक है। अब बताइए दोनों के दोनों बताओ किस पद्धत में है, दोनों के दोनों आपके यम के एस पद्धत में है, बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया, जल्दी कर डालिए, नोट कर लें। चलिए उसके बाद अब आइए बात करते हैं नंबर छह में बीमा, अब आइए नंबर छह में बात करते हैं, बताओ क्या बोलो बीमा। तो बीमा में देखो कुछ खास नहीं है, मात्रक आपको हम बता ही चुके हैं, मात्रक आपका आया है किलोग्राम मीटर क्यूब बटे एम्पेयर इंटू कितना सेकंड का क्यूब, तो बीमा हो जाएगी बताओ यम यल थ्री टी की पावर माइनस थ्री उसके बाद ए की पावर माइनस वन, ये है बताओ बीमा, बताओ किसकी, वैद्युत फ्लक्स की, जल्दी कर लो। तो परिभाषा हुआ, सूत्र हुआ, मात्रक हुआ, बीमा हुआ, नोट कर ले, कितने पॉइंट हुए, छह पॉइंट आपके हो गए। उसके बाद हम आपको सातवां पॉइंट बताते हैं, सातवां देखिए सातवें में आइए बात करते हैं, सातवें पॉइंट में आइए बात करते हैं अधिकतम फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स। ठीक, तो चलिए अब आइए अधिकतम फ्लक्स का मान निकाला जाए। भैया मेरे देखो फाई बराबर आपका होता है ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा,
अब यहां से मैं कह सकता हूं फॉर फाई मैक्सिमम, फाई के अधिकतम होने के लिए अब बताओ कॉस थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, और आपको पता है कि कॉस थीटा का अधिकतम मान एक होता है, इसका मतलब बताओ थीटा बराबर बोलो जीरो डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हाँ इसका मतलब आता है यदि वैद्युत क्षेत्र, अब हम कह सकते आता है यदि बताओ वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र बताओ किधर क्षेत्रफल की दिशा में या तल के लंबवत हो, दिशा में या बताओ तल के क्या हो, तल के लंबवत हो, क्षेत्रफल की दिशा में या तल के लंबवत हो, तो उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स, उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स, उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा। बताओ समझ में सबको आया, और उस अधिकतम फ्लक्स का मान होगा फाई मैक्स। ये देखिए फाई मैक्स बराबर आपका आ जाएगा कॉस थीटा वन हो चुका है, फाई मैक्स बराबर आपका आ जाएगा बताओ ए इंटू, यही है आपका अधिकतम फ्लक्स। तो अधिकतम फ्लक्स कब होगा, जब वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल की दिशा में ऐसे हो, वही चीरती हुई जाए, ये आपका ये तल है, ये क्षेत्रफल है, ये देखो ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो, ये देखो ये क्षेत्रफल की, ये क्षेत्रफल की दिशा है, ये क्षेत्रफल की दिशा में हो या तल के लंबवत हो, चीरता हुआ जाए, तो अगर रेखाएं चीरती हुई जाएंगी तो बताओ फ्लक्स का मान बताओ सबसे ज्यादा होगा। हो गया, जल्दी कर ले, नोट हो गया। चलिए अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में न्यूनतम फ्लक्स। न्यूनतम फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होगा भैया, ये फ्लक्स ही बताएगा। फ्लक्स का मान न्यूनतम तब होगा, हां अब हम कह सकते हैं फाई बराबर आपका होता है, फाई बराबर आपका होता है ईए कॉस थीटा। अब मैं कह सकता हूं फॉर फाई मिनिमम, फाई के न्यूनतम होने के लिए कॉस थीटा होना पड़ेगा जीरो। अब यहां पर मैथ मत लगाना कि कॉस थीटा का मान माइनस एक होगा, जब माइनस रखोगे तो फिर यहां माइनस आ जाएगा, फिर माइनस को छोड़ दोगे, फिर ए हो जाएगा, तो फ्लक्स अधिकतम नहीं होगा, सॉरी न्यूनतम नहीं होगा। इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा थीटा बताओ किसके बीच का कोण है, थीटा है बताओ वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण है। अब हम कह सकते हैं आता है यदि, अब हम कह सकते हैं आता है यदि वैद्युत क्षेत्र, आता है यदि वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र बताओ क्षेत्रफल की दिशा में या नहीं, क्षेत्रफल की दिशा में नहीं, क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत या तल के समांतर है, तल के बताओ क्या है समांतर है, तो उस तल से, उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स, तो उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स न्यूनतम होगा। मतलब ऐसे जाए ऐसे, ये आपका बताओ ये तल है, ये देखो ये तल के बताओ क्षेत्रफल के लंबवत, इसका मतलब ये क्षेत्रफल होता है, ये ऐसे, ये जैसे ब्रेड में मक्खन लगाया जाता है, ब्रेड में मक्खन लगाती हुई जाए ऐसे, ये तल के समांतर ऐसे जाए, ऐसे जाएंगी चीरती हुई तो अधिकतम होगी, ऐसे जाएंगी तो न्यूनतम होगी, ये चीज है। अब आइए उस न्यूनतम का मान निकाल लें, बताइए भाई फाई मिनिमम बराबर, ये देखिए आपका आ जाएगा बताओ कितना बोलो जीरो। अब बताओ कितने पॉइंट हुए आपके, देखो 7-8 पॉइंट आपके हो गए, जल्दी करिए अभी खत्म नहीं हुआ है, हो गया सबका। अब देखिए पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 9 आपका ये है फाई मैक्स फाई मिनिमम, फाई मिनिमम बराबर आपका होता है जीरो, और उसके बाद फाई मैक्स बराबर आपका होता है ईए, होता है कि नहीं। अब मैं यहां से कह सकता हूं फाई का संबंध होता है बताओ जीरो से लेकर के बताओ कहां तक, जीरो से लेकर के आपका ईए तक, इसको भी आप याद रखिएगा कि फाई का संबंध बताओ कहां से कहां तक होता है, जीरो से ईए तक होता है, जीरो से ईए तक होता है,
बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद अब देखें पॉइंट नंबर 10 में, दसवां देखें आपको हम बताते, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आपका ये तल है, ये देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, उसके बाद ये आपका क्षेत्रफल, नहीं ये आपका क्षेत्रफल बताओ कैपिटल ए है, ये आपका ई है। आज बताओ थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। फाई बराबर आपका होता ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा ई ए बताओ कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान एक होता, फाई बराबर ई ए, इसका मतलब फाई बराबर पॉजिटिव आ गया, फाई बराबर आपका पॉजिटिव है। यहाँ देखो अगला देखे, ये आपका डायग्राम बता रहे हैं, ध्यान देना। आपकी हमने मान लिया क्षेत्रफल तो हमेशा तल के लंबवत होता है, आपकी ये देखो वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया नीचे आ रही रेखाएं आ रही हैं। अब बताओ दोनों के बीच कोण बताओ थीटा बराबर, ये देखे आपका 180 डिग्री है कि नहीं है, थीटा आपका 180 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ से थीटा बराबर 180 डिग्री था, अब लगाओ बताओ फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस 180, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा माइनस ई ए, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। अब आप इसको ऐसे रटो, अब आप रटो ये बोलो कि जाने वाला फ्लक्स बताओ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि बताओ आने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है। फ्लक्स संख्या है, संख्या नेगेटिव नहीं होती, लेकिन कहीं अगर फ्लक्स माइनस है समझ जाना वो आ रहा है। अब मैं कह सकता हूं अतः जाने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स बताओ पॉजिटिव तथा आने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है, ठीक, इसको याद रखना। चलिए ये थी जानकारी फ्लक्स के बारे में, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले क्लास में, अभी गॉस के प्रमेय नहीं शुरू हुई, ध्यान रखना, अभी गॉस के प्रमेय कम से कम 2-3 निबंध दूर है, ठीक। चलिए धन्यवाद।